नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 14 अक्टूबर 2020 की क्लास 10th की वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 44 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 44 है। और सबसे पहले हम विज्ञान करेंगे, फिर हम गणित करेंगे, हिंदी भी आपको चैनल में मिल जाएगा। ये वीडियो में हम पहले विज्ञान और फिर गणित करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण जो टॉपिक है उसको, जो चैप्टर है, पांचवां चैप्टर आपका, उसको स्टार्ट किया था और हमने न्यूलैंड और डॉबराइनर दो पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव क्या थे? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद कोई भी वैज्ञानिक ने ऐसी कोई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण के मुख्य श्रेय रूसी रसायन विज्ञान दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता का अधिकार पर व्यवस्थित किया। अब मेंडलीव ने क्या कहा? मेंडलीव ने कहा कि भाई तत्वों का जो द्रव्यमान होता है, जो उनका वजन होता है, उसके आधार पर अगर हम तत्वों को व्यवस्थित करें तो तत्व बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित होंगे। हम उनको, उनकी जो समझ है वो हमें और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए आवर्त सारणी के जो जन्मदाता हैं वो मेंडलीव कहे जाते हैं। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के किप्शमी साइबेरिया के टोबोलस्क स्थान में हुआ। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों के व्यवस्थित को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। बेटा, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसका नाम ही है अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, मतलब जो अभी तक अव्यवस्थित था उसको अच्छे से वो व्यवस्थित करते हैं। मेंडलीव ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया। उन्होंने इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। तो उन्होंने स्टार्ट क्या किया, उन्होंने उन तत्वों का अध्ययन करना स्टार्ट किया जो तत्व तब मौजूद थे। अब क्या था कि तब विज्ञान में इतनी तरक्की तो थी नहीं, तो सिर्फ 63 पदार्थ ही तब खोजे गए थे, आज तो 118 हैं। उन्होंने देखा कि रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि ज़्यादातर तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। फिर उन्होंने उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये तत्व सक्रिय हैं और अधिकतर तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों को वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण माना गया। मतलब उन्होंने कहा कि जो तत्व का हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके बनता है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही मुख्य है, उसको ध्यान देंगे। समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने ये पाया कि अधिकतर तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान मिल गया और वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मतलब तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, मतलब एक निश्चित आवर्त के बाद वो फिर दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, फिर ये BeBCNOF के बाद अगला जो है वो नीचे ही आ गया। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो अब जो निम्नलिखित का जो सूत्र है उसका अनुमान लगाना है के, तो किस किस का सूत्र? इनके ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लगाना है, तो के का होगा K2O, सी का होगा CO2, Al का होगा Al2O3, Si का होगा SiO2 और Ba का होगा BaO। ये पहले प्रश्न का आंसर मैंने आपके सामने लिख लिया। दूसरा है, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या था? तो बेटा, अगर आप देखेंगे उनका जो आधार था वो आधार था तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप कि तत्व बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण माना गया और आधार
परमाणु द्रव्यमान को माना। तो ये दूसरा उत्तर हो गया। तीसरा है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो बेटा ये है आपका तीसरा उत्तर कि रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। यहाँ तक आपका तीसरा उत्तर। चौथा है, मेंडलीव के तत्व के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर आपका ध्यान केंद्रित क्यों किया। इसका उत्तर भी यही है। आप ये कर सकते हैं कि ऊपर वाला पॉइंट तीसरे का उत्तर बना लो, ये नीचे वाला पॉइंट है वो चौथे का उत्तर बना लो। यानी यहाँ से आपका चौथा उत्तर शुरू हो जाएगा। ये जो काले से लिखा है मैंने, ये आपका चौथा उत्तर बनेगा। और आखिरी पांचवा है, वाक्य पूरा कीजिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ, तो बेटा जो ऊर्ध्व स्तंभ है उन्हें कहते हैं ग्रुप, और जो पंक्तियां हैं उन्हें कहते हैं पीरियड यानी कि आवर्त। तो ये दोनों यहाँ के आंसर आपके सामने हैं। सारे के सारे आंसर आपको इसी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब आज हम करने वाले हैं स्पर्श रेखा के गुण। तो वो कहते हैं समकोण त्रिभुज याद कीजिए और बताइए। तो याद क्या करना है कि समकोण त्रिभुज ABC में AC BC जो है वो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो अगर हम ध्यान दें तो आपको बताया था कि एक त्रिभुज ABC में AC BC पर लंब है, तो ये जो A है C वो BC पर लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखो BC का स्क्वायर तो लिखा हुआ है, तो साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा AC का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा AB का स्क्वायर। संकेतीय वृत्तों के डैश समान होती हैं, त्रिज्या संकेतीय जो होंगे उनका केंद्र समान होता है। संकेंद्रीय का मतलब है उनका केंद्र एक समान है। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, चतुर्भुज है ना बेटा तो 360 होता है, त्रिभुज होता तो 180 होता, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। अब आपकी पहली परिमेय क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती। कहने का मतलब ये है कि ये मध्य बिंदु था और ये YX स्पर्श रेखा थी, तो स्पर्श रेखा के मध्य से अगर मैंने एक सीधी लाइन खींची जो मध्य तक जाएगी तो ये सीधी लाइन इस स्पर्श रेखा पर लंब बनाएगी, 90° का कोण बनाएगी। और ऐसा इन्होंने सिद्ध किया कि केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P का स्पर्श रेखा XY है, इसको उन्होंने XY माना। सिद्ध करना है कि OP XY पर लंब है, OP XY पर लंब है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो इसमें क्या किया हमने, XY पर बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु Q लें और OQ बनाएं, तो OQ उन्होंने बना दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा क्योंकि यह Q वृत्त के अंदर होता तो PQ छेदक रेखा बन जाएगी, क्योंकि ऐसा बिंदु P के अलावा XY के सभी बिंदुओं के लिए तक OP O से XY की निम्नतम दूरी है, इसलिए OP XY पर लंब है, OP परपेंडिकुलर XY। एक ऐसी परिमेय और है जो कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी कि अगर मैं एक गोला बनाऊं और इस गोले के लिए दो स्पर्श रेखाएँ बना लूँ, तो उन्होंने कहा था कि इन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है, यानी कि अगर ये A है और ये B है और ये A और ये C, तो AB जो है वो बराबर होगा AC के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लेंगे इन क्वेश्चंस को अपने आप, हम सीधा एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर क्या होती है। यहाँ पे लिखेंगे आप
लंब होती है। दूसरा क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। संकेंद्रीय का मतलब है एक मध्य बिंदु है, एक वृत्त ऐसा है और एक इसी के बिल्कुल बाहर है, और इसके बिल्कुल जो बाहर है उसमें एक चीज़ उन्होंने बोली है कि एक की त्रिज्या, बड़े वाले की त्रिज्या जो है वो 5 है और छोटे वाले की जो त्रिज्या है वो 6। इसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ और ज़्यादा आए। जो उसने कहा है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इस एक जीवा बनानी है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ये छोटे वाले की त्रिज्या हो गई और ये बड़े वाले की त्रिज्या हो गई। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। छोटे वाले की जो त्रिज्या है बेटा वो 3 है, बड़े वाले की त्रिज्या जो है वो 5 है। ये ओ बिंदु हो गया, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी। तो कहता हूँ त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज ए ओ बी में हम क्या करेंगे, ए ओ का स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर जमा ए बी का स्क्वायर। और ए ओ कितना है, ए ओ का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर बराबर बी ओ 3 का स्क्वायर जमा ए बी का स्क्वायर। हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर ए बी, और जो स्क्वायर था वो यहाँ के आ गया अंडर रूट। 25 माइनस 9 होता है अंडर रूट 16 बराबर ए बी। तो ए बी का मान कितना आ गया, ए बी बराबर आ गया 4। अब ध्यान से देखिए, ए बी जो है वो आधा है ए सी का। देखिए यहाँ देखिए, इस ए सी का आधा है ए बी, तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू 2 ए बी। तो ए सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी है 4, तो ए सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। कर लीजिए इसको नोट डाउन। चलिए, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं फिर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब ऐसा एक केंद्र है और दो स्पर्श रेखाएं हैं यहाँ से और यहाँ से। ये बिंदु P है, ये A है और ये B है। तो पी ए और पी बी वी स्पर्श रेखाएं हैं और इनको बीच में परस्पर 80 डिग्री का कोण बनता है। तो एंगल पी और ये ओ है, तो आपसे कहा गया कि पी ओ ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। थोड़ा सा डायग्राम एडिट कर रहा हूँ। अब देखिए, ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, तो मैं लिख देता हूँ कि कोण पी ए ओ और कोण पी बी ओ 90 डिग्री के होंगे। और कारण क्या लिखेंगे आप, कारण में आप लिख देंगे पर में पहली वाली पूरी। अब ध्यान से देखिए, एंगल पी जमा एंगल ए जमा एंगल पी ए ओ पी ओ ए जमा एंगल बी बराबर 360 डिग्री। एंगल पी है 80 जमा एंगल ए है 90 जमा पी ओ ए जमा एंगल बी है 90 बराबर 360। तो एंगल पी ओ ए कितना हो गया, 360 घटा 90 और 90 180 190 260 कितना होता है, ये 100।
100 तो नहीं आना चाहिए, तो ज़्यादा आ गया। एंगल अब ये जो 100 डिग्री आया वो इस पूरे का आया बेटा, तो फिर ये एंगल पी ए ओ बी होगा। ये थोड़ी सी एडिटिंग यहाँ पे और करनी पड़ेगी, ये पी ओ ए नहीं, ये जो एंगल ही होगा ये एंगल ए ओ बी होगा। अब इसके बाद देखिए पी ओ ए जो है वो है आधा ए ओ बी का। अब अगर ए ओ बी 100 है तो 100 बटे में जो वो कितना हो गया 50, तो ए पी ओ ए जो एंगल है उसका मान आ गया आपका 50 डिग्री। तो बच्चों हमारी आज की वर्कशीट तो पूरी हो गई है, समझ भी आपको आ गई होगी। कल मिलते हैं आप लोगों से कल की वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।